हेलो दोस्तों प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोज़ में आपका स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह दोस्तों आज के इस लेक्चर में आप यहाँ पे देख पा रहे काफ़ी अलग अलग प्रकार के वायर्स यहाँ पे है तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि इन वायर्स के प्रकार में से हमारे घरों के लिए कौन सा वायर सही रहेगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग जड़ाई के वायर है अलग प्रकार के वायर है तो इसमें से हमारे घरों में कौन सा सेफ़ है और किन वायरों के कारण हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है या कम आएगा या नॉर्मल आएगा तो ये सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पे दो अलग अलग प्रकार के वायर के आप यहां पे देख सकते हैं कि दोनों वायर हैं यहां पे अलग अलग प्रकार के इनमें से कौन सा बेस्ट है सबसे पहले तो अपने घरों के लिए बराबर इन दोनों में से चुनते हैं तो यहां पर आप बता दू कि ये जो आप दिख रहे हैं यहां पर समझो ये कॉपर का वायर है इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही पूरा कोर है इसको हम बोलते हैं कोर या एक ही बोल सकते हैं कि एक ही वायर के अंदर ऊपर प्लास्टिक का आवरण लगा दिया गया है तो इसको बोलते हैं सिंगल कोर या सॉलिड वायर आप बोल सकते हैं इसको ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे वायर्स को मिला के एक वायर पूरा बनाया जाता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर तो वायर के ऐसे दो प्रकार है एक सॉलिड और एक स्टैंडर्ड तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि भाई सॉलिड वायर हमारे घरों के लिए सही है स्टैंडर्ड वायर ओके यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे बाद में जाड़े के ऊपर भी जाएंगे तो सबसे पहले सॉलिड वायर की बात करें तो सॉलिड वायर में आपने देखा रहेगा कि एक ही पूरा रोटेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही पूरा कोर है एक ही वायर इसमें से छोटे छोटे वायर का बंडल नहीं है ये एक ही कोर है बराबर तो ये सबसे पहला है सिंगल कोर इसको हम लोग सॉलिड वायर भी बोल सकते हैं इसमें जब भी हम लोग करंट सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस कोर में से पसार होता है बराबर है कोर्स में से जब पसार होता है तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है ना उनके अंदर खुद एक प्रकार से फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है हालांकि डीसी में नहीं रहती है एसी सप्लाई में ऐसी अलग फ्रीक्वेंसी रहती है करेक्ट तो इसमें एक मैग्नेटिक फॉर्म पैदा होता है एक आप एक तरीके से बोल सकते हो तो मैग्नेटिक फॉर्म रेडी होता है इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो होते हैं तो और इन मैग्नेटिक फॉर्म की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ से पूरी जगह से समझो जा रहे है तो धीरे 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 मैग्नेटिक फॉर्म पैदा होते जा रहे है तो जैसे ही मैग्नेटिक फॉर्म पैदा होता जाएगा ना इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फॉर्म से दूर होते जाए यानी कि इलेक्ट्रॉन जो बीच में थे पहले हर जगह पे थे वो धीरे 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 करके इसकी सतह पे आने लगेगा यानी कि इस कोर के आजू बाजू में आने लगेगा इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके सतह पे आने लगा इलेक्ट्रॉन्स खाली यहाँ से मूव हो गया यानी करंट खाली यहाँ से पसार होगा बीच में से कुछ पसार नहीं होगा सर्च में आ बात तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यानी कि बीच का एरिया पूरा खाली हो जाएगा और खाली करंट जो इसके सरफेस के ऊपर से है इसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट आपने कई सारे वीडियोस में देखा रहेगा स्किन इफेक्ट तो इसी का कारण इसी को बोलते हैं हम लोग स्किन इफेक्ट और ये केवल एसी सप्लाई में होता हमारे में है हमारे घरों में एसी सप्लाई रहता है इसलिए मैंने डायरेक्ट एसी के बारे में बताया डीसी में ऐसी कोई चिंता नहीं है डीसी में आप सॉलिड वायर बिंदास यूज कर सकते हो लेकिन ए सी के, के केस में जैसे मैंने बताया कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड रहता है या फ्रिक्वेंसी uh, रहता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या फ्रीक्वेंसी के कारण इसमें बीच में यहाँ पर फील्ड जनरेट होता है और जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सतह यानी कि बीच में कोर में से सतह पे आने लगते हैं क्योंकि बीच में बैंकटी फ्यूल काफी बढ़ जाता है इसके वजह से सतह से ही खाली करंट पसार होता है ओके इसी का कारण है कि सॉलिड वायर हमारे घरों में ज़्यादा कारीगर नहीं रहता या सॉलिड वायर में आ, अपने को बिजली का बिल ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है ओके लेकिन इसी केस में अगर मैं स्टैंडर्ड वायर की बात करूं तो स्टैंडर्ड वायर में सॉलिड में कैसा था पूरा था और आजू बाजू में खाली प्लास्टिक का आवरण था लेकिन स्टैंडर्ड में मैंने क्या होता छोटे छोटे हिस्से हैं बराबर है तो छोटे छोटे हिस्सों के कारण होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे हिस्से ना पे तो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी यहां पे समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर यानी कि समझो इसमें से एसी सप्लाई पसार करेगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी होगा फ्रीक्वेंसी के कारण यहाँ पे इस छोटे से कोर में समझो हमारा आ, ये आ, क्या बोल सकते हैं उसको स्किन इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी सतह पे चले जाएंगे इसी प्रकार से इसकी सतह पर इसी प्रकार से इसी सतह तो धीरे धीरे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हर सतह पर रहेगा तो एस कंपेयर टू स्टैंडर्ड वायर यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा यानी कि स्टैंडर्ड वायर में क्या होगा कि बीच के अंदर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है खाली सतह में ही करंट फ्लो हो रहा था जबकि स्टैंडर्ड वायर में हर जितने भी छोटे छोटे वायर है हर एक के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है हर एक के अंदर से करंट पसार हो रहा है तो स्किन इफेक्ट जो है यहाँ पे बहुत कम देखने मिलता है और इसी का कारण है कि हमारे घरों के लिए स्टैंडर्ड वायर सही रहता है तो अभी आपको समझ में आया ये जो डिफरेंस था मैंने बताया यहाँ पे कि आपके घरों के लिए स्टैंडर्ड वायर सही या सॉलिड वायर सही तो हमारे केस में जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा जो स्टैंडर्ड वायर है जिसमें छोटे छोटे ऐसे वायर्स रहते हैं पूरे ये हमारे घरों के लिए बेस्ट है चलो ये तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ गया नेक्स्ट अभी देखते हैं कि भाई उसमें भी यानी स्टैंडर्ड वायर में भी कुछ वायर्स पतले रहते हैं कुछ वायर जाड़े रहते हैं तो इनमें से हमारे घरों के लिए कौन सा सही है किसके कारण हमारा बिजली का बिल ज्यादा सकता है या समझो बिजली का बिल की बात छोड़ दो किसके कौन सा वायर हमारे घरों में यूज होना चाहिए पतला वाला कि जाड़ा वाला आप बोलेंगे सर जाड़ा वाला तो यूज करने पर बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है कम छोटा वाला मतलब थीन वाला यूज करने पर यानी कि पतला वाला यूज करने पर बिजली का बिल कम आएगा इसमें ज्यादा आएगा इसमें कम आएगा ऐसा आप बोल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों यह सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दो हम लोग ने ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए मोबाइल रिपेयरिंग लैपटॉप रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल होम अपलाइंसेज रिपेयरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे कोर्सेज कोर्से ये सब कोर्सेज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप सर्च करना है ये डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नजर आएगी जिसमें स्टोर सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सभी कोर्सेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हो आपको नजर आएंगे व्यू ऑल करने पर नजर आएंगे जो कोर्स करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फीस के रिलेटेड

ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पतला वायर है और ये जाड़ा वायर है सिंपल जब यह पतले वायर में से करंट पसार करते हैं तो यहाँ पे उस करंट को इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं करंट जो कर ये जो इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है या इलेक्ट्रॉन जब भी पसार होते हैं तो इसको जाने की जगह बहुत कम मिलती है जबकि जाड़े वायर में इलेक्ट्रॉन्स पसार होने की जो संख्या है वो बढ़ जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक राउंड में खाली तीन है यहाँ पे चार है यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो पाएगा ये तो सबसे पहले हो गया चलो इलेक्ट्रॉन्स बड़े वायर में से यानी कि जाड़े वायर में से ज्यादा जाएंगे और पतले वायर में से कम जाएगी ये चलो फिक्स हो गया लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें ध्यान में रखना है ना वो है रजिस्टेंस यानी क्या अगर मान लो कि पतला या जाड़ा छोड़ देते अभी समझो कि वायर की लंबाई भी ज़्यादा है तो उसका रजिस्टेंस बढ़ जाएगा वायर की लंबाई कम है तो उसके रजिस्टेंस कम हो जाएगा यानी कि मान लो यहां से मुझे एक किलोमीटर दूर बिजली को सप्लाई करना है तो रजिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है और मेरा समझो नज़दीक है मतलब हालांकि एक एक फुट दूर है समझो कोई मेरा लोड वगैरह और वहां पे देना तो रजिस्टेंस कम होगा सेम वायर पे रजिस्टेंस भी इफेक्ट करता है लेकिन चलो ये तो हमारा पार्ट नहीं हम लोग ने बोला कि भाई जाड़ा वायर है पतला वायर तो अगर मैं जाड़े वायर के साथ में पतले वायर को कम्पेरिजन करूं तो जाड़े वायर में कम रजिस्टेंस रहता है और जो पतला वायर होता है उसमें रजिस्टेंस की संख्या ज़्यादा होती है अभी ये बोले सर ऐसा क्यों जाड़े वायर में तो ज़्यादा होना चाहिए ना रजिस्टेंस और कम वायर छोटे वायर में कम होना चाहिए रजिस्टेंस तो यहाँ पर आप उल्टा क्यों बता रहे तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होने की ताकत है या जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की ताकत है वो कम होती है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की ताकत बढ़ जाती है इसी का कारण है कि रेजिस्टेंस इसका हाई रहता है और इसका रेजिस्टेंस कम रहता है करंट जहां पे रुकावट होगी ना करंट के रस्ते में उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस समझे तो इसमें जगह कितनी है अभी जैसे कि समझो ये पानी का पाइप है समझो ये पानी का पाइप है इसमें से कितना मैं पानी भेज सकता हूं जितनी इसकी कैपेसिटी है जितना इसका गोला या जिसकी जि, इसके अंदर जो जितना इंटरनल पार्ट है उतना ही पानी में फ्लो करवा सकता हूं ना अगर मैं ज़्यादा प्रेशर से पानी डालूंगा तो क्या हो जाएगा पाइप नहीं जाएगा वो जितना जाना चाहिए उतना ही जाएगा उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा करेक्ट तो इसका मतलब ये होगा कि अगर पानी का पाइप बड़ा रहेगा तो ज्यादा पानी जाएगा पानी का पाइप कम है तो कम पानी जाएगा तो इसको बोलते हैं रजिस्टेंस अभी समझ में आपको लो रजिस्टेंस और हाई रजिस्टेंस चलिए बढ़िया है तो अभी यहां पे हम लोग ने इतना देखा कि भाई जो पतला वायर रहता है उसमें से जो रजिस्टेंस रहता है वो ज्यादा रहता है और करंट कम पसार होता है जाड़े वायर में करंट ज्यादा पसार हो सकता है रजिस्टेंस भी कम रहता है करेक्ट इतना तो हमें समझ में आ जाएगा लेकिन कम वायर अगर आपने गलती से अपने घर पे लगा दिया और समझो लोड जैसे कि एसी वगैरह आप चला रहे हो तो उस वायर में से बहुत ज्यादा मात्रा में करंट पसार होने की कोशिश करेगा या इलेक्ट्रॉन्स पसार होने की कोशिश करेगा ये समझो ये वाला वायर स्टैंडर्ड वायर ही है लेकिन अगर ये पतला वाला वायर लगा एयर कंडीशन के लिए या समझो बहुत हैवी लोड है गीजर वगैरह के लिए तो क्या होगा कि करंट बहुत ज़्यादा खींचेगा गीज़र है या एयर कंडीशन है बहुत ज़्यादा करंट खींचने की कोशिश करेगा खुद को चलाने के लिए तो जब भी करंट इसमें से जाएगा तो ये वायर जो है हीट होगा क्योंकि उसको रजिस्टेंस बहुत मिल रहा है और जितना ज़्यादा रजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट और हीट के कारण हमारा वायर जो है जल सकता है या ऐसा आप देख सकते हैं फट सकता है वायर आप देख सकते हैं वायर में आग भी लग सकती है और या तो वायर ऐसा फट जाएगा बीच में से या वायर पंचर बोल सकते हो वायर पंचर हो सकता है तो ये सब कारण है थीन वायर के अगर उसकी जगह पे झाड़ा वायर लेते हैं तो झाड़े वायर अभी जैसे कि मैंने बताया कि छोटा वायर यानी कि पतला वायर लिया तो हाई रेजिस्टेंस हो गया अगर झाड़ा वायर लेते थे इसकी जगह पे, तो क्या होगा कि जाड़े वायर में से इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा पसार हो सकते हैं भले लोड एयर कंडीशन कुछ भी रहना दो तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पसार हो सकता है उसके अंदर से तो उसकी वजह से क्या होगा हीट यानी कि गर्म कम होगा वायर और वायर जो है ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा अभी जैसे कि मान लो कि ये वायर आपने पतला वाला वायर लगाया और रोज आप एयर कंडीशन को चालू कर रहे हो तो हो सकता है कि दो या तीन दिन में ही आग निकल जाए लेकिन अगर जाड़ा वायर रहेगा तो सौ साल तक आप आराम से उसमें से चला सकते हो इतनी उसकी अच्छी कैपेसिटी रहती है तो मेरे हिसाब से आपके घरों के लिए सबसे पहला तो स्टैंडर्ड वायर ही सही रहेगा और दूसरा वायर मतलब आपके घरों के लिए एक तो आ, इन दोनों में से सॉलिड वायर है स्टैंडर्ड वायर है, तो स्टैंडर्ड वायर ही सही रहेगा आपके घरों के लिए सॉलिड वायर क्यों क्योंकि सॉलिड वायर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा इसमें कम होगा तो ये आपके घरों के लिए सबसे पहले सही रहेगा और अगर मैं जाड़े की बात करूँ इसके अंदर स्टैंडर्ड वायर में भी पतला वायर या जाड़ा वायर तो जाड़ा वायर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा क्यों हालांकि इसमें बिजली बिल पर कोई इफेक्ट नहीं है बात समझ में आ रही है अगर पतला वायर आप यूज़ करेगे और जाड़ा वायर यूज़ करोगे ना तो बिजली के बिल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लोड पे डिपेंड करता है लोड को जितनी बिजली चाहिए लोड को जितना करंट चाहिए वही वो, वो खींचने की कोशिश करेगा इसलिए बिजली का बिल इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा हाँ आपका खर्चा बढ़ेगा समझो आपको जहाँ पे पतले वायर की जरूरत है लोड कम है तो आप जाड़ा वायर डालेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा वायरिंग का लेकिन ये 100% सेफ रहेगा क्योंकि आगे चल के समझो लोड आपने बढ़ाया भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वायर आपका सेफ रहेगा आपका घर भी सेफ रहेगा कोई मतलब वायर खराब होने की पंचर होने की आग लगने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी तो बिजली का बिल का टेंशन मत लीजिए आप जाड़ा वाला वायर यूज़ कर सकते हैं अगर जहाँ पे ज़्यादा लोड है और आपको लगता है कि यहाँ पे कम ही लोड रहने वाला है तो वहां पे ही पतला वायर आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन याद रखें स्टैंडर्ड वायर ही यूज़ कीजिए सिंगल कोर वायर आप यूज़ मत कीजिएगा ओके okay? तो ये था मेरा आज का टॉपिक दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज लिख दीजिए तो मैं आपको सारी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएगा और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में चले इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग